विद्यार्थी मित्रों हूँ जैना बुराया शिवश्रेष्ठ विद्यालय की अंदर धोरण 9 की अंदर हिंदी विषय भणावुं छूं। अगले वीडियो में हमने देखा था अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, आज हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार तीन है। कितने प्रकार है? एक सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब तीनों प्रकारों को हम विस्तार से देखेंगे। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? अब सरल वाक्य में ये बात को ध्यान में रखिए, जब हमने देखा था वाक्य के घटक, उसमें हमने देखा था उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ उद्देश्य और विधेय जो है उसकी हमें मदद लेनी पड़ेगी। तो देखिए कि पहले तो देखते हैं कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। अब यहाँ देखिए उद्देश्य में कौन आता है? पहली वाली बात जो हमने घटक में सीखी थी, उद्देश्य में आते हैं कर्ता और कर्ता का विस्तार, ठीक है। और विधेय में आता है कर्म, क्रिया और क्रिया का विस्तार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हमारी एकदम सरल भाषा में देखा जाए तो जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया आती है उसे विधानवाचक वाक्य, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पर यहाँ हमें व्याकरण की भाषा में समझे तो यहाँ क्या लिखा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, पिताजी पार्क में बैठ रहे हैं। अब यहाँ पिताजी जो है वो है कर्ता, पार्क कर्म और बैठे है क्रिया। हमारा जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो गया। जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया आते हैं उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरे उदाहरण देखिए, भार्गव ने पढ़ा। अब भार्गव ने पढ़ा, पर भार्गव जो है वो कौन है? उद्देश्य यानी कि कर्ता। पढ़ा यानी क्या है? विधेय, विधेय यानी कि क्रिया। पढ़ने की जो है वो क्रिया यहाँ पर आती है। भार्गव पढ़ रहा है, तो इसमें देखिए भार्गव पढ़ रहा है, तो इसमें भी भार्गव कर्ता, कर्म और क्रिया आती है। पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। अब पड़ोस में रहने वाला भार्गव, अब यहाँ पर देखिए जो भार्गव है वो कौन है? कर्ता। और यहाँ पर पड़ोस में रहने वाला वो जो है वो कर्ता का विस्तार है। वो क्या है? कर्ता का विस्तार, यानी कि कर्ता के बारे में जो ज्यादा माहिती हमें दी जाती है उसे क्या कहते हैं? कर्ता का विस्तार। तो यहाँ भार्गव जो है वो कर्ता है और पड़ोस में रहने वाला वो जो है वो कर्ता का विस्तार है और पढ़ रहा है वो क्रिया है। उसके बाद देखिए, भार्गव ने पुस्तक पढ़ी। भार्गव जो है वो है कर्ता, पुस्तक कर्म और पढ़ी वो क्रिया है। फिर आगे देखिए, भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी। अब यहाँ भार्गव जो है वो कर्ता है, पिताजी है वो कर्म है, पिताजी जो है वो कर्म का विस्तार है। यहाँ पुस्तक जो है वो कर्म है और पिताजी को वो कर्म का विस्तार है और दी वो क्रिया है। हाँ, इन सब पर इतना ध्यान रखिए कि जहाँ एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। अगर व्याकरण की भाषा में कहे तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। ओके, यहाँ पर हमारा रचना के आधार पर सरल वाक्य पहला प्रकार जो था वो पूर्ण हुआ। और दूसरा प्रकार देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो है उसमें दो उपवाक्य होते हैं और दोनों वाक्य प्रधान होते हैं और उस दोनों वाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए कि जिस वाक्य में दो उपवाक्य हो और उसे समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा जाता हो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। दोनों उपवाक्य होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, दोनों स्वतंत्र होते हैं पर उसे समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, ये दोनों वाक्य दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन उसे किससे जोड़ा गया? समुच्चय बोधक अव्यय से। और किंतु, परंतु, इसलिए, अंतः, ये जो है वो सारे समुच्चय बोधक अव्यय है। और वाक्य के आधार पर हम और, किंतु, परंतु, इसलिए, अंतः ऐसे
समुच्चय बोधक कव्य के द्वारा जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाक्य में दो वाक्य है एवं और समुच्चय बोधक कव्य से जुड़े हैं। मैं हूँ सत्य केतु और पत्नी है कामना। यहाँ पर भी देखिए मैं हूँ सत्य केतु ये स्वतंत्र वाक्य है, उसके बाद पत्नी है कामना, लेकिन उससे किससे जुड़ा तो समुच्चय बोधक और से उसे जुड़ा गया। उसी तरह देखिए तुम नहीं जा सके तो बेटे को भेज देते, तो यहाँ पर क्या है तुम नहीं जा सके वो एक वाक्य है, बेटे को भेज देते वो दूसरा वाक्य है, और तो जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है जिसे दो उपवाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा गया है। उसी तरह देखिए कि कभी कभी ये समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है उसका लोप भी हो जाता है। संयुक्त वाक्य में कभी कभी समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य है दुनिया में रहने वाले रहेंगे जाने वाले चले जाएंगे। हाँ तो यहाँ पर और शब्द का लोप हुआ है, किसका लोप हुआ है और शब्द का, और उसकी जगह पर हमने रखा अल्पविराम। तो दुनिया में रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे। दूसरा देखिए क्या सोचा था और क्या हो गया। हाँ तो यहाँ पर शब्द जो है उसका लोप हो गया है। हाँ तो संयुक्त वाक्य यानी कि इसमें दो उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। ये दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, उससे किसी का मेल होता नहीं है, और उसे जोड़ना है तो उसे समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ तुम लिख रहे हो, तो इसे किससे जोड़ा और समुच्चय बोधक अव्यय से हमने जोड़ा। तो रचना के आधार पर हमारा ये दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य जो है वो यहाँ पर पूर्ण होता है, और रचना के आधार पर वाक्य का आखिरी प्रकार है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य जो होता है उसमें संयुक्त वाक्य जो है उससे थोड़ा अलग होता है। हाँ उसमें देखिए संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य जो होता है उसमें प्रथम वाक्य जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उसके बाद के सभी वाक्य वो जो होते हैं वो गौण होते हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए जिस वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्य से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मतलब इसमें प्रथम वाक्य जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उसके बाद का वाक्य जो होता है वो गौण होता है। तो इसमें जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, और बाकी के वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं इस पहले वाक्य जो है उसके वो आश्रित होते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। अब मेहनत नहीं करते हो वो कैसे पता चला, जब उन्होंने देखा। तो यहाँ पर मैंने देखा वो पहला वाक्य जो है वो महत्वपूर्ण है और उसके बाद का गौण वाक्य है उसके ऊपर आश्रित है। मैंने देखा तो मैं क्या देखा कि तुम मेहनत करते नहीं हो। उसके बाद हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो चुगल भरता है। अब हिरण ही एकमात्र, यहाँ पर शर्त हो गया कि हिरण ही एकमात्र पशु है जो चुगल भरता नहीं है। ओके फिर देखो सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। यहाँ पहली कौन सी क्रिया हुई, सूरज उगने की क्रिया हुई, और यहाँ पर कहा गया कि इसी वजह से क्या हो गया अंधेरा भाग गया। तो यहाँ जो होता है वो मिश्र वाक्य में एक से ज्यादा वाक्य हो सकते हैं, पर उसमें पहला वाक्य जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, बाकी के सभी वाक्य उसके आश्रित होते हैं। और संयुक्त वाक्य में जो है वो दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उसे समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। और पहला प्रकार सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक कर्म और एक क्रिया आती है। तो यहाँ पर रचना के आधार पर हमारे जो तीन प्रकार है वो यहाँ पर पूर्ण हुए, और वाक्य तथा वाक्य के प्रकार जो है वो भी यहाँ पर हमारा पूर्ण होता है। वंदे मातरम।